नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। 10 जून को सूर्य ग्रहण के बाद 15 जून में सूर्य वृषभ राशि से मिथुन में प्रवेश करेगा। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सूर्य का राशि परिवर्तन बेहद ही खास माना गया है, जिसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर पड़ता है। 16 जुलाई तक सूर्य ग्रह मिथुन राशि में ही स्थित रहेगा, इसके बाद कर्क में प्रवेश कर जाएगा। आइए जानते हैं सूर्य का मिथुन राशि में गोचर किन 5 राशि वालों की किस्मत चमका सकता है। मिथुन, सूर्य आपकी ही राशि में गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान आप बुद्धिमानी से अपने कार्यों में सफलता पाने की कोशिश करें। इस दौरान कार्य क्षेत्र में जरूरी जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। कारोबारियों के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। सिंह, सूर्य आपके एकादश भाव में विराजमान होगा। इस राशि के जो लोग मार्केटिंग, लेखन, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। लंबे वक्त से आप जिस उपलब्धि के लिए इच्छित हैं, वो आपको मिलने वाली है। सूर्य के गोचर से इस राशि के कुछ जातकों को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलने के आसार हैं। पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। ये गोचर आपको कई कार्यों में सफलता दिलाएगा। कन्या, सूर्य का गोचर आपके दशम भाव में होने जा रहा है। इस गोचर के दौरान आपको अपने करियर में जबरदस्त लाभ मिलेगा। लाभ कमाने के भी आपको कई अवसर मिलेंगे, बस आपको उन अवसरों का सही आकलन करना होगा। इस राशि के व्यापारियों के लिए भी समय काफी अच्छा रहेगा। आप खूब लाभ कमाएंगे और साथ ही समाज में ख्याति भी मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य खराब रहने के संकेत मिल रहे हैं। निजी जीवन में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं बेरोजगार लोगों को इस दौरान रोजगार मिल सकता है। मकर, सूर्य आपके छठे भाव में गोचर करेगा। ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको हर स्थिति से लड़ने की क्षमता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हैं तो इस दौरान फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। लोन या कर्जा चुकता कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।